Shagun, welcome to IWM Buzz. Thank you so much. अगर शगुन जब बात किया जाए आपके शो की, सोनू के किरदार को ऑडियंस काफी ही पसंद कर रही है, ढेर सारा प्यार दे रही है। आए दिन हम इंस्टाग्राम पे देख सकते हैं कि आपके लिए कई सारे पोस्ट बनते रहते हैं, कई सारे वीडियोस, तो ये सब के लिए क्या बोलना चाहोगे अपने फैन? आई जस्ट वॉन्ट की मतलब ये सब देखे तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम लोग कुछ करते तो हमें पता नहीं चलता। विद द ग्रोथ, विद जैसे आपके लोग कैसे रिएक्ट करें, वो सब बहुत इजीली पता चलता है कि क्या चल रहा है, लोगों को अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है, तो वो चीज काफी इम्पोर्टेंट है, काफी मैटर करती है। तो कहीं ना कहीं दैट थिंग्स मैटर, बिकॉज उससे आपको बहुत ज्यादा मोटिवेशन भी मिलता है कि यार लोगों को अच्छा लग रहा है तो अभी मुझे और अच्छा करना है, क्योंकि अगर उनको ये अच्छा लग रहा है तो मुझे और अच्छा करके और उनको अच्छा लगाना है। तो या इट मैटर्स अ लॉट, एंड एज एन एक्टर तुम्हारे लिए व्यूअरशिप एंड पीपल लाइकिंग यू इज द बिगेस्ट रिवॉर्ड। तो या तो जब आपको सोनू का किरदार मिला था, जब आपको ये शो का ऑफर हुआ था, आपको कुछ आइडिया था कि शो को इतना सारा प्यार मिलेगा और आपके किरदार को भी इतने सारे नो इम्पोर्टेंस लोग देंगे? या एक्चुअली मैं ना बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक बिहेवियर से चीजें ज्वाइन करती हूँ, तो मेरे लिए ऐसा होता है कि आई डोंट केयर व्हाट इट इज, बट आई वांट द शो टू डू वेल, एंड इन माय हेड आई बिलीव कि इट विल डू वेल। अगर कोई कुछ बोले भी तो भी मेरा ये होता है कि नहीं, मैं कर रही हूँ और मुझे इसके बारे में यही सोचना है कि शो बहुत अच्छा करेगा, मेरा कैरेक्टर बहुत अच्छा करेगा, सबके कैरेक्टर्स बहुत अच्छे करेंगे, क्योंकि आई बिलीव इन मैनिफेस्टेशन। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं ये चीज मैनिफेस्ट करूंगी ना कि हाँ शो अच्छा कर रहा है, तो वो खुद ही हो जाएगा। तो आई ऑलवेज मेरा यही रहता है कि हाँ मैं कोई चीज ज्वाइन करूँ तो वो अच्छा ही करेगा, दैट वे। बट देन ऑफकोर्स जब जेन्युइनली अच्छा करता है तो और भी ज्यादा खुशी होती है। बट जब बात किया जाए आपके कैरेक्टर सोनू की, नो सोनू काफी ही अलग है। वो अपने नो अपने भाई और भाभी आई मीन इश्की को जोड़ना चाहती है, उनको एक करवाने के लिए आपने कई सारे नो मेहनत किए थे, तो उसके बारे में क्या बोलना चाहोगे? सोनू के कैरेक्टर के बारे में क्या बोलना चाहोगे, कितना अलग है आप स्पेशली शगुन एंड सोनू? एक्चुअली बहुत ज्यादा अलग है कई चीजों के लिए, क्योंकि जैसे मैंने देखा है कि वो मैंने क्या देखा होता, मैं तो कर रही हूँ कि सोनू चीजों से बहुत डर जाती है, वो किसी के आगे आवाज नहीं उठा पाती है, एंड मैं उस चीज से रिलेट नहीं करती, क्योंकि मुझे कोई चीज खराब लगती है तो मेरा यही है कि मैं तभी के तभी बोल दूंगी, मैं सोचूंगी भी नहीं एक बार कि यार बाद में बोलना चाहिए, साइड पे लेके जाके बोलना चाहिए, बिल्कुल नहीं। अगर मुझे लगे कोई चीज गलत हो रही है, कुछ हो रहा है, तो मैं तभी के तभी बोल दूंगी। बट देन मैं अपने आप को प्ले कर रही होती तो बात अलग होती, बट मैं कोई ऐसी चीज प्ले कर रही हूँ जो मैं रिलेट नहीं करती, बट आई एम श्योर काफी लोग रिलेट करते होंगे, बिकॉज कई जगह ऐसा होता है कि आपको कुछ कहना है बट आप डर जाते हो, आप 10 अलग चीजें सोचते हो कि यार ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। जब मैं हिमाचल जाती हूँ मम्मी पापा के पास, तो अगर कभी मुझे किसी का बिहेवियर सही नहीं लगता तो मैं चुप रहती हूँ, क्योंकि मुझे पता है अगर मैं बोलूंगी तो बात मेरे मम्मी पापा पे आ जाएगी, तो वहां पर आप रिस्पेक्ट के कारण नहीं बोलते। तो इसके साथ भी ऐसा होता है कि वो चुप रहती है, ज्यादा कुछ कहती नहीं है, बट इश्की उसे हमेशा से अच्छी लगती थी और इश्की ने उसकी हेल्प भी बहुत ज्यादा की है सोनू की, एंड देन पता है कि भाई उसके सामने थोड़ा अलग हो जाता है, तो इसलिए। तो जो बॉन्डिंग बन गई है आप सभी की, वो हम ऑफ स्क्रीन के थ्रू देखते ही है, बीटीएस के थ्रू देखते ही है, सोशल मीडिया पे आए दिन आप सभी के कई सारे फनी बीटीएस मोमेंट्स देखने को मिलता है, उसके बारे में क्या बोलना चाहोगे? अरे जो हम सोशल मीडिया पे डालते हैं ना, दैट इज लाइक द 5% और 10% जो हम एक्चुअल में करते हैं, बिकॉज हम लोग इतनी ज्यादा मस्ती करते हैं ना कि वो तो शायद हम शूट भी नहीं कर पाए। एक बार हम लोग बहुत मस्ती कर रहे थे रूम में बैठ के, हम भी पांच छह जनते हैं, एंड फिर हमने सोचा कि चलो ठीक है, तो हमने बहुत ही ज्यादा मस्ती कर ली, अब इसको ना रिक्रिएट करते हैं, इसको शूट करने की कोशिश करते हैं, बस उसके बाद इतना गंदा हुआ, इतना गंदा हुआ, देन वी लाइक छोड़ो हम क्यों शूट करने बैठे, हमें मस्ती करनी है, मस्ती करते हैं। तो हम बहुत ज्यादा मस्ती करते हैं, बहुत मजा आता है शूट करने में, मस्ती वाले सीन्स तो बहुत ही ज्यादा अच्छे लगते हैं। सो शगुन, जब बात किया जाए शो की और कैरेक्टर की, नो शो में हमने कई सारे चेंजेस देखे, इवन सोनू के किरदार में भी बहुत सारे चेंजेस आए, पर्सनली आपने कितने सारे ग्रोथ को महसूस किया है सोनू के किरदार में और आपके एक्टिंग में ये कितने सारे पॉजिटिवली इफेक्ट किया है, कितना सारा आपने अपने आप में ग्रोथ देखा है इसी दौरान?
मैंने काफी देखा एक्चुअली. मुझे मैं अपने आप को तुम नहीं जज कर सकते, बट मुझे मेरे डायरेक्टर सर ने कहा था कि जो इनिशियली सोनू थी ना, वो बहुत चाइल्डिश थी, वो थोड़ी बच्चों जैसे रहती थी, उसकी बात करने का ढंग वगैरह थोड़ा बच्चों जैसा, क्योंकि वो अपने भाई के साथ थी, भाई उसको बहुत प्यार करते हैं, बच्चों जैसे रखते हैं, राज भी उसको उस तरह से ही ट्रीट करता था, करता है. बट शादी के बाद थोड़ा मेच्योर हो जाता है इंसान, एंड स्पेशली जब उसके साथ इतना बड़ा इंसिडेंट हो गया कि किसी ने ड्रंक होके फोटोज ले लिया, कुछ हो गया, तो उसके बाद देर वॉज अ चेंज इन द ग्राफ. जो वो हमेशा चुलबुली रहती थी, मस्ती करती रहती थी, वो काफी हद तक चला ही गया था. अभी धीरे धीरे बहुत हल्का हल्का वापस आ रहा है, क्योंकि उसके पास दुखी होने के काफी ज्यादा रीजंस आ जाते हैं, और खुश होने का सिर्फ एक दो है कि भाई लोगों से बहुत प्यार करती है. तो वो एक बहुत बड़ा शिफ्ट था, जो मुझे एक तरह से अच्छा भी लगा, क्योंकि आई थिंक एक मेच्योरिटी दिखाना भी जरूरी है. आपके साथ अगर कुछ इतना बड़ा हो जाता है, इट्स डिफिकल्ट टू गो बैक टू एग्जैक्टली व्हाट यू वर, इट टेक्स टाइम एंड दे आर गिविंग दैट टाइम. तो वो अच्छा लग रहा मुझे कि नहीं. हाँ ठीक है. So how was your bond with other co-stars? Because हम नो देखते तो है इस सोशल मीडिया के थ्रू कि आप लोग काफी अच्छे दोस्त हैं, पर आप कैसे बयां करोगे अपने बॉन्ड को लेकर सभी के साथ? माई बॉन्ड विद एवरी वन इज वेरी नाइस, सबके साथ मेरी बनती है, आई कैन टॉक टू एवरी वन. बट मेरे सबसे फेवरेट में आ जाते हैं कार्तिक, फिर कार्तिक, राज और आहान एक में आते हैं. इश्की को भी मैं ले लेती हूँ, क्योंकि हम लोग भी बहुत मस्ती करते हैं. एक्चुअली फिर तो सारे ही आ जाएंगे, मतलब इश्की, आहान, कार्तिक, राज, ये तो ये चार लोग मेरे बहुत क्लोज हैं. एंड हम लोग कार्तिक और मेरे सीन, हम लोग के रूम्स भी आजू बाजू हैं, यहाँ पर भी वहां पर भी, तो आई एम मोस्टली देयर. राज भी बहुत क्लोज है, तो हम सब लोग बहुत अच्छे दोस्त हैं. मैंने कहा ना आपसे कि जितना हम लोग दिखाते हैं सोशल मीडिया पे या कुछ, दैट इज लाइक द 5% ऑफ व्हाट वी आर. एंड परम को आई हैव नोन सिंस लाइक ऑलमोस्ट, इट्स अबाउट टू बी अ डेकेड नाउ दैट आई हैव नोन हिम. 8 साल तो हो ही गए हैं. उसके साथ मैं बहुत मस्ती करती हूँ, उसके चीक्स पुल कर देते, उसको धक्का देते, कुछ भी करते हैं, तो लाइक अच्छा है, सबके साथ बहुत अच्छा आई है. थिंक आपके और कार्तिक का एक रील सबसे ज्यादा फेमस हुआ था, आई थिंक दैट वो फोटोशूट वाला. हाँ हाँ दैट वॉज माई आइडिया या क्या वो आई सच में थिंक. आप पे उन्होंने पानी डाला था इतना? बहुत ज्यादा डाला था उसने, जब उसने बोल दिया था हो गया, तो उसने पूरी बाल्टी डाल दी थी मेरे ऊपर पानी की. तो इसलिए जब मैंने उसके ऊपर डाला था ना वो पानी वाला, तो मैंने कहा अभी तू अभी तेरी टर्न है. बहुत मजा आया था लेकिन वो करने के लिए, हम ऊपर लेके गए थे बकेट पानी के, उसने पूरा डाल दिया था मेरे ऊपर. So, Shagun, anything else you want to say to your fans? Because they always want to see you in a new avatar, in a new character, in a new getup. So, anything you want to share with them? अभी के लिए आई से कि कीप लाइकिंग द गेटअप दैट आई एम इन, बिकॉज आई वांट द शो टू डू गुड, आई वांट द शो टू गो ऑन फॉर अ लॉन्ग टाइम, एंड कीप लविंग सोनू, कीप लविंग ईश्वर सोनी, एंड सबको ही प्यार करो. बट मोस्ट इम्पोर्टेंटली अपने आप को ध्यान रखो, सेफ रहो, बिकॉज अभी चीजें ठीक नहीं हुई हैं. तो आप अंदर रहो, टीवी देखो, नेटफ्लिक्स देखो, सब लोग सब कुछ देखो, वेब सीरीज देखो, बट बी हैप्पी एंड इंजॉय लाइफ. दैट्स इट. से सैड होने की जरूरत नहीं है, कुछ भी होता है टेंशन नहीं लेनी, एंड डोंट हर्ट अदर्स. Okay, thank you, Shagun, for giving your precious time and थैंक all यू, the थैंक best for the show. Thank you so यू, much. थैंक यू. Thank you. बाय बाय, टेक Bye. केयर.